हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जयमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी किस किस परेशानी में आने वाली है। जी हाँ, ये रीडिंग ही शी सेम जेंडर सभी के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना। अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी जो है आपके लिए बेहद ही जरूरी। तो देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। तो गाइज, पॉजिटिव रहिए, अपने डिवाइन को याद कीजिए और रीडिंग को पॉजिटिव होके देखिए। जय माता दी। फर्स्ट कार्ड कौन सा है? थर्ड पार्टी किस परेशानी में आने वाली है? गाइस, सबसे पहले मेरे का इस रीडिंग में आपकी एनर्जी निकल के आई है, यानी कि ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो अपने पर्सन का। होना भी चाहिए, जब आप इतना प्यार करते हो तो इंतज़ार तो करोगे ही। वक्त निकलता जा रहा है, जनाब का कुछ पता ही नहीं। द वर्ल्ड सेकेंड कार्ड, आप उनकी दुनिया हो। ये कार्ड अपने आप में बहुत एक पॉजिटिव कार्ड है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेस, टेन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ का कार्ड। जजमेंट का कार्ड कि थर्ड पार्टी किस परेशानी में आने वाली है। गाइस, दो कार्ड बुरी तरह चिपके पड़े हैं, बताओ। एक कार्ड ये है फाइव ऑफ पेंटिकल का, एक है मैजिशियन का। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, गाइस फोर ऑफ कप्स। बॉटम क्या है? थर्ड पार्टी है बॉटम गाइस। किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगर गाइस यहाँ एलिमेंट की बात करें तो यहाँ सभी साइन आए हैं। यहाँ फायर साइन भी है, वाटर साइन भी है और अर्थ साइन भी है। ईयर साइन यहाँ पे नहीं है गाइस। और अगर क्या खिदा नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ नंबर्स जो हैं, नंबर थ्री इम्पोर्टेंट है गाइस, नंबर फोर इम्पोर्टेंट है, नंबर सेवन इम्पोर्टेंट है, नंबर नाइन इम्पोर्टेंट है, नंबर टेन इम्पोर्टेंट है, नंबर ट्वेंटी इम्पोर्टेंट है, नंबर थर्टीन इम्पोर्टेंट है, नंबर एट इम्पोर्टेंट है, नंबर वन इम्पोर्टेंट है, नंबर फाइव और नंबर फोर्टीन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए गाइज, तो यहाँ पे नाइन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नाइन नंबर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ट्वेंटी वन भी, सॉरी गाइज भूल गई, वो भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इस डेट पे आपके पर्सन ने आपको प्रपोज किया हो, या आपकी लाइफ के ऐसे कुछ लम्हे हैं जो इन दिनों में आपने इन डेट्स को उनके साथ बिताए हों। आप लोगों का बर्थडे भी हो सकता है
और कैंडल लाइट डिनर भी। तो चलिए ये थर्ड पार्टी किस परेशानी में आने वाली है तो ये मैं बताती हूँ गाइस। पहले मैं बताती हूँ थोड़ी सी आपकी एनर्जी कि आप अपने पर्सन का बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आपने अभी तक जो है हिम्मत नहीं हारी। जो होता ना कि हिम्मत हार चुका है इंसान, अगर आपने हिम्मत हारी होती तो यहाँ क्या होता, क्वीन ऑफ कप्स होता। नाइन ऑफ कप्स बताता है कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, परेशानी काफ़ी है, वो थर्ड पार्टी के साथ है। ये नहीं कि आप दिल से दुखी नहीं हो, लेकिन आप तब भी जी रहे हो क्योंकि आपने अपनी उम्मीद और ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा। आज भी अपने वो फ़ोन कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो उनके। और ये भी मैं जानती हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो बड़े सुंदर, स्मार्ट और वेल सेटल इंसान है। अगर आप चाहो तो आपको लाइफ में उनकी जगह कोई और अच्छा बेटर भी मिल सकता है, लेकिन आप अपने पर्सन को ही पाना चाहते हो, इसलिए उनका वेट कर रहे हो। और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का जो रिश्ता है गाइस, चलते हैं यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स का। गाइस इस रिश्ते में काफ़ी दरार है। ये थर्ड पार्टी यहाँ फैमिली के साथ साथ इनका कोई क्रश दिख रही है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही हैं, काफ़ी परेशानियाँ चल रही हैं। और ये जो प्रॉब्लम और ये जो परेशानियाँ हैं, ये थर्ड पार्टी का अकलूपन है। अकलूपन की वजह से ये सारी परेशानियाँ हैं। आने वाले टाइम पे थर्ड पार्टी जैसे आपके पर्सन के साथ दाव पेच खेले हैं, और वो उन दाव पेचों की वजह से वो आने वाले टाइम पे स्ट्रेस का कारण बनेगी। उसके दिमाग में परेशानियां रहने वाली है, स्ट्रेस आने वाला है, हैं। और आपके पर्सन के साथ उसकी दूरियां बनने वाली हैं। जैसे आप अपने पर्सन से इमोशनल अटैच हो और अपने आप को अंदर ही अंदर अकेला फील करते हो, तो ऐसे ही थर्ड पार्टी के साथ होने वाला है। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी और उनके पर्सन काफ़ी हैप्पी है और इस बात को आप जानते हो, लेकिन अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट करते हो। आपने अभी तक दामन नहीं छोड़ा ईश्वर का। रिश्ता करीब करीब ख़त्म हो चुका है, लेकिन दोबारा शुरू करने की उम्मीद रखते हो। तो गाइस थर्ड पार्टी का आने वाले टाइम पे बहुत बुरा हाल होने वाला है। एक ऐसा स्ट्रेस आने वाला है जो नहीं वो किसी को बता सकती और ना ही सलूशन उसका कोई निकलता है। और वो स्ट्रेस होगा आपके पर्सन की दूरियां, कैरियर में कमी, बिजनेस में कमी। जैसे होता है ना, हर किसी की हाई लगने वाली है, वो चीज़ आप इसको कह सकते हो। बहुत दुआएं करेगी, लेकिन इसकी दुआ कबूल नहीं होगी क्योंकि इसने अभी तक अपना अकड़ूपन नहीं छोड़ा। ये बताता है बॉटम, ये किंग ऑफ बॉटम यही बताता है कि ये जो थर्ड पार्टी है, एक मिनट में होपफुल होती है, एक मिनट में सामने वाले को शीशे में उतारती है, बड़ी अच्छी बन जाती है, और एक मिनट में तू कौन और मैं कौन। इसी चीज़ को लेके आपके ये जो चीज़ें हैं थर्ड पार्टी की ख़राब होगी, क्योंकि इसके मन के अंदर जो है छल कपट है, अकड़ है, नेगेटिविटी भरी हुई है। हर किसी को कड़के से डील करना चाहती है और अकड़ के और पैर जमा के सामने वाले के सर पे सवार होती है। और आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी का आने वाले टाइम पे थर्ड पार्टी इनको प्रपोज करने वाली है, लेकिन आपके पर्सन ने इसको मना कर देना है क्योंकि ये भले ही थर्ड पार्टी के साथ है, ये खुश नहीं है, सुखी नहीं है, ये अंदर से उनकी तरफ पीट करके खड़े हुए हैं। यानी कि इनको पसंद नहीं है अब थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का अब ये हाल होने वाला है, ना आगे की ना पीछे की, सिर्फ अकेला और तन्हाई के साथ जिएगी ये थर्ड पार्टी। इसका रिश्ता जो है आपके पर्सन के साथ फिनिश होकर दोबारा से नए सिरे से आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे।
यहाँ इसका रिश्ता ख़त्म होने वाला है और ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, और क्योंकि आप लोग भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको जस्टिस मिलना ही मिलना है क्योंकि मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से हो रहा है। तो गाइस, ये आप में से सभी लोगों का, में से कुछ लोगों का ऐसा होगा कि वो थर्ड पार्टी के साथ खुश है, और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि डिवाइन के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, ईश्वर पे सिर्फ होप लगा चुके हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। थर्ड पार्ट आपके पर्सन जो है रिश्ते की ग्रोथ करना चाहते हैं, रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती। ये आने वाले टाइम पे आपके साथ रीयूनियन करेंगे, रिकन्सिलेशन करेंगे, क्योंकि ये एक साइकिल है जो थर्ड पार्टी का और आपके पर्सन का चल रहा है। धीरे धीरे इस साइकिल में कमी आती हुई दिख रही है। जैसे ही ये साइकिल ख़त्म होगा तब आपके रिश्ते में न्यू शुरुआत होगी, लेकिन थर्ड पार्टी अपना रिश्ता बढ़ाना चाहेगी, आपके पर्सन के साथ चीज़ें आगे ले जाना चाहेगी, लेकिन आपके पर्सन अंदर से दुखी रहते हैं। वो उससे थर्ड पार्टी जो है, उन थर्ड पार्टी को आपके पर्सन की तरफ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। आने वाले टाइम पे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिश्ता ख़त्म होने वाला है। खाली वैसे दूरियां नहीं, इनके दिलों में भी दूरियां आने वाली है। तो इसलिए, क्योंकि थर्ड पार्टी ने अपनी अकड़ाहट दिखानी शुरू कर दी है, नेगेटिविटी अपनी फैलानी शुरू कर दी है, अपना डंडा दिखाना शुरू कर दिया है। तो चलिए देखते हैं, ये है आपका बॉटम। ये पर्सन जो है क्या आपकी तरफ इतने परेशान हैं? ये आएंगी थर्ड पार्टी का, ये आपको अपनी दुनिया समझते हैं। यहाँ एक्शन का कार्ड डेथ का है, डेथ का कार्ड में एक्शन का इतना पावरफुल नहीं समझती। न्यू बिगनिंग के लिए, आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग होगी क्योंकि ये आपकी दुनिया समझती है, तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। गाइस, तीन कार्ड निकाल लेते हैं। जी हाँ, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे भी, बड़े दुखी हैं। ये पॉजिटिव रिजल्ट है, दो कार्ड सही है, न्याय भी मिलेगा और आपका रिश्ता जो है लॉन्ग समय तक भी चलेगा। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगेगा इनको। गाइस, इनको टाइम लगेगा कुछ लोगों के पर्सन तो वाइफ वीक में भी आते हुए दिख रहे हैं, कुछ को 6-7 महीने लगेंगे, क्योंकि जब ये पर्सन आएंगे थर्ड पार्टी का रोना धोना जारी रहेगा, काफ़ी ड्रामे करेंगी ये पर्सन, तब आ जाएंगे आपकी तरफ। और मैं आपको बता रही हूँ, जो पर्सन आपको थोड़ा सा चीट भी कर चुके हैं वो भी आते हुए दिख रहे हैं, मुझे वाइब्रेशन आ रही है। हो सकता है आप में से कुछ पर्सन आप लोगों में ऐसे हों, आप सिंगल हों और वो बेबी वाले हों, जब वो बेबी वाले हों आप सिंगल हों, मैरिड और सिंगल की नज़र आ रही है। और ये भी हो सकता है कहें कि हम अपनी फैमिली में बिजी थे, फैमिली को छोड़ नहीं सकते, कुछ ऐसा बोलें। तो आपके लिए क्या एडवाइस है ऐसे जो आके तंग करें आपको, क्योंकि थर्ड पार्टी तो हटने वाली नहीं है। डिवाइन कह रही है कि आप बहुत इमोशनल हो, दोबारा सोच समझ के इन पर्सन जो भी आए आगे, उनको दोबारा सोच समझ कर एक्सेप्ट करना। आप साफ दिल के, बड़े इमोशनल और एक क्यूट से हार्ट वाले इंसान हो, तो सोच समझ के तभी आप कर पाओगे। पहले नेगेटिविटी से निकलो और पॉजिटिव बनो। अगर ये पर्सन आए तो आपने दिल के हाथों मजबूर होकर कोई फैसला नहीं लेना,
दिमाग से ही फैसला लेना है, जिससे चीज़ अच्छी और बैलेंस बना के चीज़ें चलें। और अगर आप एक्सेप्ट भी करते हो तो अपनी हदों को आपने कभी भी पार नहीं करना। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था थर्ड पार्टी किस परेशानी में आने वाली है। तो गाइस, थर्ड पार्टी पे दुनिया भर का स्ट्रेस आने वाला है, उसको तन्हाई मिलने वाली है, जुदाई मिलनी है आपके पर्सन से, वो दिलों की दूरियां मिलने वाली है, और रिश्ता जो है करीब करीब ख़त्म होने वाला है। लेकिन कुछ लोग थर्ड पार्टी के साथ सेट हैं, एक्सेप्ट हैं, और कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी ने अभी तक अपना अकड़ूपन, अपना रोब और अपनी नेगेटिविटी बंद नहीं की। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक, शेयर, कमेंट, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता।